सदर सांसद के पहल पर आशा बहुओं के मानदेय मिलने की उम्मीद जगी है और एक सप्ताह के भीतर मानदेय की घोषणा हो सकती है, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने प्रोत्साहन राशि को हटाकर एक निश्चित मानदेय देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा गया था, जिस पर सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर मानदेय की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आशा बहनों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। जब कोई भी व्यक्ति कोरोना के समय घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तब आशा बहनों ने अपने घरों से निकलकर लोगों की सहायता की तथा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया था, जिनकी तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर चुके हैं, जिनकी प्रशंसा हम सभी को भी करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आपकी अध्यक्षा जी आई थी दिल्ली से, वो हमसे मिली और उनकी बात मैं तुरंत उसी दिन पूज्य महाराज मुख्यमंत्री जी को बताया। तो आशा बहने, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का भी मानदेय बहुत जल्द बढ़ रहा है, शायद जल्दी आप लोगों को खबर आ जाए। पिछली बार सर आए हुए थे आप लोगों का, इन लोगों का तो हो गई, इनका तो है, इन लोगों का आशा बहन लोग का थोड़ा इनका दिक्कत था, वो बात हम पूज्य महाराज जी को बोले, परसों की बात है। तो आप लोगों का मानदेय आप लोगों का भी बढ़ जाए, बहुत शुभकामना। आप लोग ऐसे जी जान से लगी रहे हैं जैसे आप लोग डटी हैं, आप लोगों को बहुत शुभकामना। पहले ये बताइए करते हैं कि नहीं? अब अभी क्या बोले हम बोले, जो बोले हैं ऐसा बोल के बहुत लोग चले जाते हैं। अच्छा वो, अच्छा अच्छा सुना, पहले धीरे से बोला का पहली बार बहुत कर लू, बहुत सम्मान बात हो रही थी। सरकार के खाते में हम लोग को देने के लिए पैसा नहीं है क्या? क्या नाम सरोज जी, हमके लिखे गो दे चिट्ठी, हमके तुरंत एक चिट्ठी देता कि हमके हम सरोज यादव और आपकी इनकी सबके हेड है आप? अच्छा के हेड नहीं, अमिता जी के तो उस दिन सामने तो हम पूरा कह दिए तो सर इन लोग का मानदेय मिल गया है। कुछ भी देखिए, आंगनवाड़ी की बहनों को मिल गया था मानदेय, पूज्य महाराज जी ने राज्य सरकार ने बढ़ाया था। उसके बाद आशा बहनों की शिकायतें थी कि उनका मानदेय, तो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा आई थी, वो हमसे मुलाकात की थी 3 दिन पहले, और उसके बाद हम सीधे पूज्य महाराज जी के पास मंदिर गए थे। उनको कहा था कि अब आशा बहनें हैं, उनका भी अपने मानदेय की एक डिमांड है। उन्होंने कहा उनका डिमांड भी पूरा हो गया है, उनको बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाएगी कि शायद इसी हफ्ते में ही आ जाए कि उनका मानदेय भी बढ़ गया है। तो ये क्योंकि महाराज जी के अलावा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आशा बहनें और आंगनवाड़ी बहनों की शक्ति को जानती हैं। ये लोग वो अंग हैं जो कोरोना काल में जब कोई नहीं निकलता था, जब कोई इंजेक्शन के लिए या कोविड के इंजेक्शन के लिए तैयार नहीं रहता था, ये आशा बहनें आंगनवाड़ी बहनें जाके उनको मनाती थी। कितने गाँव में इन लोगों को बाहर भगा दिया जाता था, कितने बार इन लोगों के साथ बदतमीजी होती थी, क्योंकि कुछ विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि भाजपा का कोविड इंजेक्शन है, ये भाजपा के या एकरा में जहर बा, एकरा में ई बा। तो यही बहनें थी जो जाके गांव में सबको समझाती थी कि ये इंजेक्शन से, अगर आप ये कोविड का इंजेक्शन लेती है तो आपकी जान आपकी प्राण की रक्षा होगी। तो ये बहनों का आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। समस्त राज्य सरकार की तरफ से मैं बहनों को प्रणाम करता हूँ। ये बहनें अगर नहीं होती तो हम लोग कोरोना को मात देने में हम लोग बहुत कमज़ोर होते। आज कोरोना को अगर हम लोगों ने ज़ीरो डाउन किया है तो उसमें आशा बहनें आंगनवाड़ी बहनों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है।